एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुरु तो बहन की शादी कराएगा मुझसे। सलमान है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन में बिजी एंड हिट एंड रन की इसका कनेक्शन क्या है इस मूवी से? क्या सलमान बाजी मार पाएंगे इस बार? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों भुवन बाम जो कि एक सेल्फ मेड एक्टर है, भुवन बाम ने जीरो से हीरो बनने में काफी मेहनत की है। आपको बता दें कि भुवन बाम एक यूट्यूबर ही नहीं बल्कि एक स्टार भी है। अगर बात करें भुवन बाम की पॉपुलैरिटी की बॉलीवुड में तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर कई सारे बॉलीवुड स्टार्स भुवन बाम को फॉलो करते हैं। दोस्तों भुवन इस साल कई बार फिल्म इंडस्ट्री में नजर आ चुके हैं और बता दें कि भुवन हमें जल्द ही देख सकते हैं सलमान खान के साथ उनकी नई मूवी वांटेड 2 में। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जी हाँ दोस्तों, सलमान जो एक जमाने में थे फिटनेस मोटिवेटर, आजकल ट्रोल हो रहे हैं अपनी उस फिटनेस को लेकर। आपको बता दें सलमान के काफी सारे वीडियोस वायरल हुए थे उनकी मूवी सेट से जिसमें वो फैमिली पैक्स में होते थे। दोस्तों बता दूं कि लेकिन मूवी में वीएफएक्स के कमाल से खुद को सिक्स पैक एब्स में कर लेते थे ट्रांसफॉर्म और दोस्तों इसलिए ही सलमान हो रहे थे ट्रोल। लेकिन अब सलमान हो चुके हैं पजेसिव अपनी बॉडी को लेकर और जमकर घंटों तक मेहनत करते रहते हैं जिम में। और बता दें दोस्तों ये सलमान खान अपनी फिल्म वांटेड 2 के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों साथ ही सलमान के हिट एंड रन केस के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है कि हिट एंड रन केस में सलमान को कितना रन करवाया है। आपको बता दें कि इस बार हमें खबर मिली है कि सलमान का हिट एंड रन केस वाला सीन वांटेड 2 में भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि सलमान के हिट एंड रन केस के ऊपर काफी सारे वीडियोस और ट्रोल्स बन चुके हैं, जबकि दोस्तों वो इंसिडेंट सलमान की माने तो उन्होंने नहीं किया था। अपने हेटर्स को तगड़ा जवाब देने के लिए सलमान खुद ही ये सीन शूट करेंगे अपने वांटेड 2 में और बताएंगे कि क्या थी रियलिटी अपने हिट एंड रन केस की और दोस्तों क्या हुआ था उस रात को। अगर सलमान के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान की आने वाली मूवी अंतिम है जो कि आयुष शर्मा के साथ आने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले सलमान की मूवी राधे बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन दोस्तों अंतिम के ट्रेलर में सलमान को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। राधे मूवी देखकर लगा था सलमान का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन अब आखिर वो भी ठहरे बॉलीवुड के भाईजान। अंतिम के साथ उन्होंने फिर से लाया है अपना दौर। अब दोस्तों वो फिर कभी नहीं खत्म होने देंगे बॉलीवुड के भाईजान अपना दौर और अपना असली स्वाग सलमान वांटेड 2 में जरूर दिखाएंगे। अब दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज की लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज और हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।